नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। चितरंगी विकास खंड के बगदरा कोरावल क्षेत्र के जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 10 क्षेत्र कुल्लकबार से विकास पुरुष के नाम से ख्याति प्राप्त दिवंगत पूर्व मंत्री जगन्नाथ सिंह की पुत्रवधु राधा सिंह ने जिला पंचायत सदस्य हेतु अपना नामांकन दाखिल किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सड़क, बिजली, पानी और उच्च शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास करने की बात कही। इस क्षेत्र के विकास पुरुष कहे जाने वाले कद्दावर नेता स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह की बहू पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राधा सिंह आज हमारे बीच में हैं और ये जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 10 कुलकवार से ये उम्मीदवार हैं। इनके द्वारा कल पर्चा दाखिल किया गया है। आइए हम इनसे आपको रूबरू कराते हुए जानते हैं कि ये किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही हैं। जी, मेरा मुख्य मुद्दा है वहाँ का एजुकेशन। जब 12वीं के बाद हमारी बच्चियों को यूपी में जाना पड़ता है और आने जाने की सुविधा भी वहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए बच्चियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। इसलिए पहला मुद्दा है कि कॉलेज वहाँ खोला जाए। और दूसरा चीज़ ये है कि कुछ जगहों में बहुत सारी चीज़ें तो आवागमन का सुविधा हो गया है, बाबू जी थे उसका मैप बना दिए थे, इसके बाद हम लोगों के प्रयासों से रोड भी कंप्लीट हुए हैं, लेकिन कुछ रोड ऐसे हैं जो कि नीचे से ऊपर जाने में बड़ा दिक्कत होता है। हमारे नीचे जो रहते हैं पब्लिक और ऊपर जब घाट के ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ के लिए बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, वहाँ आवागमन अवरुद्ध हो जाता है जी। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और तीसरी चीज़ है कि वहाँ पानी का बहुत दिक्कत होता है। गर्मी में मैं देखी हूँ साइकिल में लेके लोग डब्बा 15-15 लीटर का, दो दो साइकिल में, मतलब लड़कियाँ तक, बच्चियाँ तक बहुत दूर 5-5 किलोमीटर तक जाती हैं पानी लेने के लिए। और इस कोरोना काल में हम 2 साल कुछ काम नहीं कर पाए, बोर हो ही नहीं पाया। इस साल भी होना था, जून में भी कुछ बोर होती, लेकिन अब आचार संहिता होने की वजह से चुनाव आ गया और इसमें भी नहीं हो पा रहा है। मेरी सोच है कि इन मुद्दों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी और जो भी छोटी छोटी भी समस्या है उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगी। यही मेरी आगे की रणनीति है। धन्यवाद। चितरंगी से खबर समय जगत के लिए रजनी साहू की रिपोर्ट।